नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बूस्टर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के लिए डेली बेसिस पे जो हमारा क्विज चल रहा था। तो हम ये जो हमारा डिस्कशन है उसमें प्रीलिम्स स्पेशल है, तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट से रिलेटेड, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले चाबहार पोर्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चाबहार पोर्ट है जो ईरान के साउथर्न भाग में स्थित है, साउथर्न ईस्टर्न भाग में, और ये गल्फ़ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। और ये है जो ईरान का एक अकेला ऐसा पोर्ट है जो ओशियनिक पार्ट में है, क्योंकि ईरान के जो और सारे जो पोर्ट हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ अडान इस तरफ के नज़दीक है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट ओशियन से रिलेटेड नहीं है। और ये जो इसका लोकेटेड है चाबहार पोर्ट का, ये मकरान कोस्ट सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस के नज़दीक है। और इंडिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का अफगानिस्तान के लिए जाने का लिए एक कॉरिडोर, एक गेटवे बन जाता है, क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर है जो अफगानिस्तान से डायरेक्टली ये वहाँ से कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली बेसिकली है कनेक्टेड, क्योंकि अभी जो इंडिया का जो ऊपरी पार्ट है कश्मीर का उस पर पीओके ने कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इससे हमारा बॉर्डर लगता था जिसे ड्यूरंड लाइन हम लोग कहते थे, जिसका 106 किलोमीटर ये है। लेकिन इसलिए हम लोगों को अफगानिस्तान में जाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग को चाबहार पोर्ट से जाना पड़ता है, जिसे ईरान से होकर हम लोग जेरान हाईवे पकड़ते हैं, जिसे रोड 606 भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये 800 किलोमीटर अफगानिस्तान का हम लोगों को नज़दीक कर देता है कराची पोर्ट से। तो अभी हाल ही में 2017 में अक्टूबर में ही इंडिया ने अपना पहला शिपमेंट भेजा है गेहूँ का, जो कांडला पोर्ट से होते हुए चाबहार पोर्ट पहुँचा है, और उसके कुछ दिनों बाद ये अफगानिस्तान में इसका डिलीवर हुआ था। हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि पहला हमारा इट इज़ लोकेटेड ऑन द गल्फ़ ऑफ एडान, नहीं ये गलत है क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान में है और ये गल्फ ऑफ एडान में नहीं है, और ये गल्फ ऑफ एडन में नहीं है। तो अब दूसरा हमारा ये प्रोवाइड करता है हम लोगों का ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो ये सही है क्योंकि हम लोगों का ये गेटवे बनाता है चाबहार पोर्ट, तो हमारा आंसर है दूसरा। तो हम लोग मैप के जरिए इसको देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि ये कांडला पोर्ट से होते हुए हम लोग का चाबहार जाने से नज़दीक होता है गुजरात में, क्योंकि हाल ही में कांडला पोर्ट का नाम भी चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, और यहाँ से लगोगे 550 नॉटिकल माइल की दूरी है और मुंबई से 786 नॉटिकल माइल। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ये कंसर्न किससे है। तो हाल ही में टू स्टेट सॉल्यूशन का ये 1948 में फिलिस्तीन को दो भागों में बांट कर किया गया था, जो फिलिस्तीन के दो भाग बांटा गया, एक को इज़राइल बनाया गया और एक को फिलिस्तीन बनाया गया। तो इसमें क्या ये 1948 में दिया गया था, इसमें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये समझौता किया गया था और परमानेंट काउंसिल के जो सुरक्षा परिषद के 5 मेंबर उसमें थे। तो हमारा इसका आंसर है टू स्टेट सॉल्यूशन है, ये कंसर्न है इज़राइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिवन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली रिवन डेवलपमेंट ये होता है कि जो भवन होते हैं, जो बिल्डिंगें होती है, जो मेन रोड के कंटिन्यूसली रो में बने हुए होते हैं, उसे हम लोग रिवन डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये बेसिकली रिपोर्ट से है कि टूवर्ड्स ए पोल्यूशन फ्री प्लेनेट ये कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसे यूएनईपी भी बोलते हैं। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है केन्या नैरोबी में है। तो आज हम अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है। इसमें क्या है कि इसमें पहला ऑप्शन है हमारा रूरल एरिया में, इसमें क्या किया जाता है कि इसके लिए एक सीमा बनाया गया रूरल एरिया में क्या क्या चीज़ें किए जाएंगे, और इसमें हमारा जो दूसरा है जो वेस्ट जनरेटर जो होते हैं उसके लिए एक सॉलिड वेस्ट के लिए अच्छे बनाया जाएगा पहली बार। तो ये है हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इनोवेट इन इंडिया I3 से। तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं I3 क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है। तो जो बेसिकली इनोवेट इन इंडिया I3 है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से। बेसिकली प्रीलिम्स से ये पूछा जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको लॉन्च किया है, और इस जो I3 के अंतर्गत $250 मिलियन का फंड रखा गया है जो प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग्स के, और इसका बेसिकल जो मेन फोकस है इसका डेवलपमेंट पे फोकस ऑन डेवलपमेंट है इसका न्यू वैक्सीन बायोथेरेपीक्यूटिस है। और ये इसके लिए जो इन I3 के लिए जो कोलाबरेशन किया गया है इसे एकेडमिया और जो भारत में बायोफार्मा इंडस्ट्री है उनके साथ ये कोलाबरेशन है, और इसमें जो $250 मिलियन का भारत सरकार ने फंड
फंड लिया, उसमें 125 मिलियन डॉलर भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, इट इज़ ए मिशन टू एक्सेलरेट बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हमारा सही है, इसका जो मेन एम ही है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। और इसमें जो दूसरा है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई इंडस्ट्री रिसर्च स्टेट असिस्टेंस काउंसिल, ये भी सही है विराट। तो हम लोग इसका हमारा आंसर हो गया सी, बोथ वन एंड टू। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से है कि हमारा मिजोरम कौन कौन से स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो हम लोग इसका मैप के जरिए इसमें देख लेते हैं। तो ये है मिजोरम है जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक तो त्रिपुरा से हो गया और एक मणिपुर और दूसरा असम से। तो ये तीन स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक त्रिपुरा, मणिपुर एंड असम। और ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर अपना शेयर करता है, ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें हमारा आंसर हो गया 2, 3 एंड 5। तो मिजोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर के साथ, और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वायरस अटैक हुआ था उससे रिलेटेड है कि हाल ही में अभी वानाक्राई, पेटाया एंड लॉकी जो रिसेंटली न्यूज़ में था उससे रिलेटेड है। ये बेसिकली पूछ रहा है ये क्या है, ये बिटकॉइंस है, रैंसमवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सर्वर लेस कंप्यूटिंग है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये रैंसमवेयर है, जो ये रैंसमवेयर होता है ये मेलिशियस कोड होता है जिसमें जो हैकर होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं, और उसमें जो डाटा होते हैं उसको हैक कर लेते हैं, और उसमें स्क्रीन पे जैसे एक स्क्रीन लॉक स्क्रीन का एक इमेज आ जाता है। तो हम लोग इसका इमेज के द्वारा देख लेते हैं। बेसिकली ऐसा एक इमेज बन के आ जाता है जिनका कंप्यूटर हैक होता है, उसमें क्या करना पड़ता है कि यदि आप उनको पैसे पे करते हैं उसके बाद ये आपको जो हैक किए हैं उसको खोलते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है, जो वानाक्राई, पेटाया एंड लॉकी है, ये एक रैंसमवेयर है। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अधिस अबाबा एक्शन एजेंडा A4 से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन का एसोसिएटेड है, और इसमें A4 में क्या है अधिस अबाबा एक्शन एजेंडा में कि ये प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या है कि जो SDG ये हमारा गोल है जो 2015 से 2030 तक के लिए ये किया गया है, तो इसके लिए एक फाउंडेशन स्थापित कर रहा है कि इसके कैसा डेवलपमेंट इसके तहत बढ़ाया जाए। अधिस अबाबा बेसिकली इथोपिया की राजधानी है। तो इसके हमारा पहला आंसर देख लेते, पहला ऑप्शन है हमारा इट इज़ एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन। तो हाँ ये सही है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसके तहत ये बनाया गया है। और दूसरा इट वॉज एडोप्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें हमारा SDG से रिलेटेड है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ISIN से रिलेटेड है। ये बेसिकली ISIN होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है, नहीं ये बेसिकली है, बेसिकली ये तो सही है हमारा पहला क्यों ISIN को वही रिलेट करता है सिक्योरिटी जो रेगुलेटर के तौर पर SEBI है, तो हमारा यही रिलेट करेगा। और ये बेसिकली ISIN होता है, ये कोड होता है, ये कोड यूनिक आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू के लिए होता है। और ये 12 करेक्ट, इसमें 12 अक्षर होते हैं, 12 न्यूमेरिकल कोड होता है, 12 अक्षर का एक न्यूमेरिकल कोड होता है जो हर एक देश को पर्टिकुलर कंट्री को दिया जाता है। और इसमें जो कंट्री में इसके जो रिस्पेक्टिव में होते हैं उसको नेशनल नंबरिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी SEBI है जो इसे रेगुलेट करता है, ये अंडर आता है GSEC से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा IFFI से रिलेटेड है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। इसमें पूछ रहा है कि इस साल जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस कौन से मूवी को दिया गया, कौन से फिल्म को दिया गया। तो ये 120 बीट पर मिनट को दिया गया। ये बेसिकली एक फ्रेंच फिल्म है और ये 48th IFFI में इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, इसे हम लोग गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी इसे दिया गया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा अजय वॉरियर, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो भारत ने ये किसके साथ शुरू किया है, तो ये अजय वॉरियर 2017 है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू हुआ है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में महाराज फायरिंग रेंज में। और ये आर्मी एक्सरसाइज है और ये इसका थर्ड एडिशन, इससे पहले ये 2013, 2015 और 2017 में हुआ, 2017 में हो रहा है। तो इससे पहले दो हो चुका है और तीसरा इस बार हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स डे के इस बार का थीम था राइट टू हेल्थ। और ये बेसिकली जो
ये एड्स होता है, ये एचआईवी वायरस के कारण ये होता है, जिसमें ह्यूमन इफिशियंसी जो वायरस होते हैं उसके बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का जो रेजिस्टेंस पावर होती है कोई भी रोग या किसी भी चीज़ को जो रोकने की क्षमता होती है उसे ख़त्म कर देता है ये वायरस। तो हम लोग एड्स का जो इस साल की थीम है वो राइट टू हेल्थ है। तो थैंक यू दोस्तों आज के डिस्कशन के लिए।